मैंने कि जैसे पिछली वीडियो में आपको हिमालय का जो विस्तृत वर्णन है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था, और ट्रांस हिमालय के बारे में मैंने आपको अच्छे से जानकारी उसके बारे में दे दी थी। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे महान हिमालय, महान हिमालय का अध्ययन करेंगे हम। उसके पहले मैं आपको पिछली बातें एक बार और दोहरा देती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको हिमालय के चार भाग बताए थे। हिमालय को मोटे मोटे तौर पर चार भागों में विभाजित करके हम पढ़ते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट था ट्रांस हिमालय, या इसी को कहते हैं पार हिमालय। क्यों पार हिमालय? क्योंकि ये मुख्य हिमालय के पार है, इसलिए इसको हम ट्रांस हिमालय को हम पार हिमालय भी कहते हैं। ओके, सेकंड था वृहद हिमालय, जिसका अध्ययन आज हम करेंगे। वृहद हिमालय को कहते हैं, और वृहद हिमालय को और किस किस नाम से जाना जाता है? देखिए, वृहद हिमालय को हिमाद्री या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। आंतरिक हिमालय। एंड थर्ड, ये हुआ बृहद हिमालय। फिर उसके बाद ये जो ये मध्य की श्रेणी आपको दिख रही है, ये है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी कहते हैं इसे। इसे लघु हिमालय भी कहते हैं, और बृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहा जाता है। तो इसमें आप एक और जोड़ सकते हैं, महान हिमालय। ठीक है, ये हो गया। एंड फोर्थ एंड लास्ट है, ये सबसे, ये दक्षिणी श्रेणी है जो, दक्षिणतम श्रेणी है जो, ये है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी, या हम इसे कहते हैं बाह्य हिमालय। ओके, ये चारों श्रेणियों को हमने बांट लिया। ये है आपका ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, ये है महान हिमालय, ये है मध्य हिमालय, और ये है सबसे लास्ट शिवालिक श्रेणी। चलिए, ट्रांस हिमालय हमने देख लिया था। ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणियां प्रमुख है। ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणियां प्रमुख है जो लाइन वाइज भी पूछी जाती हैं। ये है काराकोरम श्रेणी, देन लद्दाख श्रेणी, और सबसे लास्ट में है जास्कर श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम श्रेणी ही जब आगे चल के तिब्बत में पहुंच जाती है, इसका विस्तार तिब्बत तक है, तब इसको कहते हैं कैलाश। ठीक है, कैलाश जो श्रेणी है वो काराकोरम का ही, काराकोरम श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है। ठीक है, ये हो गया था। अब हम आज स्टार्ट करते हैं बृहद हिमालय। वृहद हिमालय इसका नाम है, या आंतरिक हिमालय। वृहद हिमालय तो पता ही होगा, वृहद हिमालय क्यों? क्योंकि ये सबसे वृहद है। अगर हम शिवालिक, मध्य और वृहद हिमालय की बात करें तो इसका शेप कुछ ऐसा है। देखिए, यहाँ पे ये है शिवालिक, ये है मध्य हिमालय, ये है वृहद हिमालय। ठीक है, ये है शिवालिक, ये है मध्य, ये है वृहद, कुछ इस प्रकार से है। इस कारण इसे हम क्या कहते हैं? वृहद हिमालय कहते हैं। ठीक है, हिमाद्री क्यों कहते हैं? चूंकि ये अन्य श्रेणियों की अपेक्षा उत्तर में स्थित है। ठीक है, चूंकि ये अन्य श्रेणियों की अपेक्षा उत्तर में स्थित है, जिस कारण ये बर्फ से ढका होता है। ठीक है, ये जो एरिया है ना, ये बृहद हिमालय है जो, ये हमेशा बर्फ से ढका होता है, इस कारण इसे हिमाद्री भी कहते हैं। आंतरिक हिमालय क्यों कहते हैं इसको? और देख रहे होंगे आप, शिवालिक को बाह्य हिमालय कह रहे हैं, क्यों ऐसा? चलिए देखते हैं। आप अगर इसके शेप को ध्यान से देखें, ये देखिए, ये कुछ ऐसा शेप, यू आकार का शेप आपको दिख रहा है ना? ये तीनों जो श्रेणियां है, ये कुछ यू आकार से बनी है। ठीक है, अगर हम एक वृत्त ले लेते हैं, अगर हम एक वृत्त लें, ओके, वृत्त को हम यहां से काट के, यहां से काट के हम ये भाग अलग कर लेते हैं। अगर हम वृत्त को यहां से काटकर ये भाग अलग कर ले, ठीक है, तो मानते हैं केवल ये भाग बचा। ठीक है, तो अगर वृत्त का केंद्र यहां था, वृत्त का जो सेंटर था सर्कल का, वो यहां था, तो जो ये भाग होगा वृत्त का, जो अंदर सर्कल का जो अंदर का भाग होगा, ये आंतरिक भाग कहलाएगा। ये आंतरिक भाग कहलाएगा।
और ये जो बाहर का भाग है ये क्या कहलाएगा, वृत्त का बाह्य भाग कहलाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा शेप ही है, कुछ ऐसा शेप ही है। और ये जो आपको ये जो महान हिमालय दिख रहा है, ये महान हिमालय क्या है, ये केंद्र की ओर से अगर हम चले तो ये आंतरिक भाग आपको दिख रहा है ना, ये आंतरिक हिमालय हो गया। इस कारण ये आंतरिक भाग है ना, इस कारण ये आंतरिक हिमालय हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, इस कारण इसको आंतरिक हिमालय कहा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री को आंतरिक हिमालय क्यों कहा जाता है, ये इस कारण से। और अगर देखें कि शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय क्यों कहा जाता है, तो ये वृत्त का जो बाहर का सिरा है इसे हम क्या कहते थे, बाह्य हिमालय कहते थे। तो ये देखिए शिवालिक क्या है, शिवालिक भी बाह्य सिरे में है, इस कारण शिवालिक को हम बाह्य हिमालय कह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपका। अब हम बृहद हिमालय की बात करते हैं। बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिणी भाग में स्थित है। अगर हम ट्रांस हिमालय से दक्षिण की ओर चलेंगे तो सबसे पहले हम बृहद हिमालय पर आएंगे। ठीक है, बृहद हिमालय के बाद फिर मध्य पे, और फिर मध्य हिमालय के बाद शिवालिक श्रेणी पर आएंगे। ठीक है, ट्रांस हिमालय मध्य हिमालय के बीच एक शचर जोन है, शचर जोन मतलब ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय ये दोनों आपस में शचर जोन द्वारा अलग होते हैं। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय आपस में शचर जोन द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये आप नोट कर लेंगे, ये शचर जोन। ओके, फिर महान हिमालय का सबसे पूर्वी हिस्सा ये देखिए दिख रहा है आपको, ये अरुणाचल प्रदेश से जाके और फिर ये मुड़ जाती है जहां से, तो ये जो सबसे पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर सबसे पूर्वी हिस्से में एक चोटी है, इसे कहते हैं नामचा बरवा, इसे कहते हैं नामचा बरवा। ये असलियत में ये भारत में स्थित नहीं है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर स्थित है, ये तिब्बत के भाग में आ जाती है ये। ओके, ये भारत में स्थित नहीं है नामचा बरवा, ये तिब्बत में स्थित है ये। ठीक है, मतलब अगर हम महान हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी की बात करें, महान हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा, कहाँ स्थित है ये, तिब्बत में स्थित है। फिर अगर हम इसके सबसे पश्चिमी चोटी की बात करें, तो ये मैंने आपको बताया था, ये है नंगा पर्वत, ये देखिए ये है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत पर्वत नाम है इसका, पर्वत लिखा हुआ है इसके उसमें नाम में, बट ये पर्वत नहीं है, ये एक चोटी है। ओके, ये एक चोटी है, ये पर्वत नहीं है, ये क्या नाम है इसका, नंगा पर्वत। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, महान हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है और सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है, जहां से ये जो महान हिमालय है ये नंगा पर्वत से ही मुड़कर और दक्षिणी भाग में प्रवेश करता है, जहां पर पाकिस्तान में इसे सुलेमान पर्वत और अफगानिस्तान में इसे हिंदू कुश पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये हो गया आपका पश्चिमी चोटी और पूर्वी चोटी हो गई। अब जो दुनिया की दस बड़ी चोटियां बृहद हिमालय पर ही स्थित है। ठीक है, चाहे आप इंडीज पर्वत की बात कर ले, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के, चाहे आप यूराल पर्वत की बात कर ले, विश्व के जितने भी महानतम पर्वत है ना, उन सब पर्वतों की जो चोटियां उनसे कई गुना बड़ी ये यहाँ पर बृहद हिमालय पर स्थित चोटियां हैं। ठीक है, तो आप ये भूलेंगे नहीं। कभी कभी क्या करता है, कभी कभी पूर्व से पश्चिम का क्रम पूछता है चोटियों का, पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछ लेगा चोटियों का, तो आप ये भूलेंगे नहीं, आप एग्जैक्टली जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैपिंग के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार आप मैपिंग के द्वारा ही आप लिख लेंगे और अलग से नीचे पॉइंट डाल के लिख लेंगे कौन सी चोटी कहाँ है, उसका पूर्व से पश्चिम में क्रम और पश्चिम से पूर्व का क्रम। ठीक है, अगर हम पूर्व से चलते हैं तो सबसे पूर्वी चोटी क्या है, नामचा बरवा है। ठीक है, फिर उसके पश्चिम में आते हैं, पूर्व से चलते हुए हम पश्चिम में आते हैं
तो ये कौन सी चोटी है, ये है कंचनजंगा, ये है कंचनजंगा। ये कहाँ पर स्थित है, ये देखिए सिक्किम में, ये सिक्किम राज्य भारत का एक राज्य है, गंगटोक जिसकी कैपिटल है ये। तो कंचनजंगा चोटी कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। फिर उसके पश्चिम में आएंगे, उसके पश्चिम में आएंगे तो ये एक चोटी है, इसका नाम है मकालू। क्या नाम है, मकालू। फिर आगे आएंगे तो ये चोटी है विश्व की सबसे बड़ी चोटी है एवरेस्ट, विश्व की सबसे बड़ी चोटी है एवरेस्ट, ओके। फिर आएंगे तो कौन सी चोटी है, मसालू, ये है मसालू। फिर उसके पश्चिम में आएंगे तो है ये एक धौलागिरी चोटी, धौलागिरी। फिर पश्चिम में आएंगे तो ये है अन्नपूर्णा, ये है अन्नपूर्णा। फिर उसके पश्चिम में आएंगे, ये भारत पर एंटर कर देते हैं अगर हम, तो उत्तराखंड में ये दो चोटियां दिख रही हैं, ये है नंदा देवी और फिर उसके भी पश्चिम में है बंदरपूछ, ये है नंदा देवी, ये है बंदरपूछ, ठीक है। फिर हम अगर सबसे पश्चिमी सिरे की बात करेंगे तो ये है सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत, ठीक है। ये जो हिमालय है ये लगभग 8,848 मीटर ऊंचा है ये, मतलब जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो वो है 8,848 मीटर ऊंची है, ठीक है। फिर हम पूरी चोटियों की बात कर लेते हैं यहाँ की। अगर हम विश्व की सबसे बड़ी चोटी की बात करें, अगर हम विश्व की सबसे बड़ी चोटी की बात करें तो वो है एवरेस्ट, ये है एवरेस्ट चोटी। एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी है, ये लिखा हुआ है 8,848 मीटर एवरेस्ट। एवरेस्ट है कहाँ पर, एवरेस्ट है नेपाल में, नेपाल जो भारत का पड़ोसी देश है। एवरेस्ट चोटी कहाँ पर स्थित है, नेपाल में स्थित है और नेपाल में इसे एक नाम से जाना जाता है, नेपाल में एवरेस्ट को कहते हैं, एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं सागर माथा, ठीक है। तो एवरेस्ट चोटी कहाँ पर है, नेपाल पर स्थित है और इसे क्या कहते हैं, नेपाल में एवरेस्ट को कहते हैं सागर माथा, ठीक है। ये हो गई विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अगर हम भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कौन सी है, क्योंकि एवरेस्ट तो है हिमालय में ही परंतु ये भारत में नहीं है, ये तो नेपाल में है सॉरी। लेकिन अगर हम भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कौन सी है, वो है ये, मैंने आपको बताया था कल पिछली वीडियो में, ये देखिए ये है, ये है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी की ही सबसे ऊंचा शिखर, काराकोरम श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है K2, इसे कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो अगर हम भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये है K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई क्या है, ये आप ये जो ऊंचाई है ना ये आप याद कर लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है 8,611 मीटर, 8,611 मीटर गॉडविन ऑस्टिन की। मतलब ये कौन सी कैसी चोटी है, ये भारत में स्थित सबसे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और है किस श्रेणी पर, अगर पूछा जाए K2 किस श्रेणी पर स्थित है तो यह है काराकोरम श्रेणी पर। ये हो गया। फिर मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये जो ये वाला भाग है भारत का, ये हिस्सा जो है ये हिस्सा कहलाता है POK, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। है तो भारत का ही हिस्सा लेकिन होते हुए भी नहीं है, हम ये कह सकते हैं होते हुए भी नहीं है, ठीक है। अगर हम भारत की सबसे बड़ी चोटी की बात करें तब तो K2 होगी, गॉडविन ऑस्टिन होगी। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में स्थित ये हिस्सा POK भारत का है परंतु होकर भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपना दावा करता है इस POK वाले स्थान पे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है, मतलब भारत में ही स्थित हो, मुख्य भूमि पर स्थित हो भारत के, तो अगर इसकी बात की जाए तो वो है कंचनजंगा। ये देख रहे हैं आप, ये है सिक्किम, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम राज्य में है, सिक्किम पर है ये कंचनजंगा और इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर,
ठीक है, क्या है 8,598 मीटर। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी या विश्व की सर्वोच्च, अगर विश्व की सर्वोच्च चोटी की बात की जाए, सर्वोच्च चोटी वो है एवरेस्ट। एवरेस्ट है कहां पर? नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई क्या है? 8,848 मीटर, ना कि किलोमीटर। ठीक है, मीटर करिएगा, ऑप्शन में भी कभी कभी आता है किलोमीटर और मीटर, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, परंतु ये मीटर है ना कि किलोमीटर। फिर अगर हम भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करें, भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, तो वो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये है जम्मू कश्मीर में, पता होगा आपको क्योंकि ये POK वाले हिस्से में है। और इसकी ऊंचाई क्या है? 8,611 मीटर। फिर अगर हम बात करें कि भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अगर हम बात करें भारत में स्थित सर्वोच्च शिखर या चोटी, वो है कंचनजंगा, सिक्किम में है। ठीक है, ये सिक्किम राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई क्या है? 8,598 मीटर। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जा चुका है ये, आगे भी किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो ये हो गई सर्वोच्च चोटियां, मैंने आपको बता दिया। पूर्व से पश्चिम का क्रम भी आप याद कर लेंगे, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बंदरपूंछ, नंगा पर्वत। ठीक है, अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चले तो नंगा पर्वत, बंदरपूंछ, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और नामचा बरवा। ठीक है, ये हो गया। अब हम अलग अलग से सारी चोटियों को देख लेते हैं कि ये कहाँ परिस्थित है, आखिर भारत में है या नेपाल में है या तिब्बत में है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एवरेस्ट को। एवरेस्ट को मैंने बता ही दिया था, एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसे क्या क्या कहते हैं? सागर माथा। ठीक है, फिर ये जो मैंने क्रम लिखा है ना आपको, ये मैंने आपको क्रम दिख रहा होगा, ये सबसे बड़े से छोटी चोटी का क्रम है। मतलब सबसे बड़ी चोटी है एवरेस्ट, ये भी आप, ये भी आता है कभी कभी आपको पूर्व से पश्चिम में स्थिति का क्रम पूछता है, कभी कभी आपको क्या पूछ लेगा, ऊंचाइयों का क्रम पूछ लेगा कि सबसे ऊंची, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, और ऐसे 3-4 करके ऑप्शन दे देगा और आपको उसमें करेक्ट छाटना होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी क्या, कौन सी चोटी है? एवरेस्ट है। कहां पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। फिर उसके बाद कौन सी है? कंचनजंगा है। कहां पर स्थित है? सिक्किम में है। फिर उसके बाद है मकालू। मकालू ये देख सकते हैं आप, ये है मकालू, ये कहां है? ये नेपाल का पूरा एरिया है ना, ये है नेपाल में। उसके बाद है धौलागिरी। धौलागिरी ये देखिए आप, ये भी कहां पर है? नेपाल में है। फिर उसके बाद है अन्नपूर्णा, ये देखिए अन्नपूर्णा भी कहां है? नेपाल में है। फिर उसके बाद है नामचा बरवा। नामचा बरवा कहां पर? मैंने अभी आपको बताया तिब्बत में है ये, अरुणाचल प्रदेश नहीं है ये, आप याद रखिएगा, ये है नामचा बरवा तिब्बत में। ठीक है, फिर और कुछ चोटियां बचती हैं, 2-3। ये है उत्तराखंड की चोटियां हैं, एक है बंदरपूंछ, लिखा हुआ है मैप में बंदरपूंछ है, ये लिखा हुआ है आपका। एक है नंदा देवी, नंदा देवी कई बार पूछ चुका है, नंदा देवी शिखर स्थित है, आपको ऑप्शन दे देगा हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि हिमालय पर्वत तो इन सारे राज्यों में है। ठीक है, सारे राज्यों में ये फैला हुआ है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि आखिर नंदा देवी चोटी है कहाँ पर। तो ये याद रखिएगा, बंदरपूंछ, नंदा देवी और एक और है कामेत शिखर। कामेत
ये तीनों जो चोटियां हैं ये हैं उत्तराखंड में, ये हैं उत्तराखंड में। तो या तो आपको ये पूछ लेगा कि नंदा देवी शिखर कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड, कामेत उत्तराखंड, बंदरपुंज उत्तराखंड, या फिर कभी आपको ये पूछ सकता है कि ये सारी चोटियों का आपको ये नाम दे देगा, ये धौलागिरी, ये सारे नाम दे देगा और पूछेगा कि ये किस हिमालय में स्थित है, बृहद हिमालय में है कि मध्य हिमालय में है कि शिवालिक में है कि ट्रांस हिमालय में है। तो ये आपको याद रखना है, ये सारी चोटियां महान हिमालय में है या बृहद हिमालय में या आंतरिक हिमालय में है ये। ओके, ये हो गया, ये तीनों याद रखेंगे, ये उत्तराखंड और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे सवाल बनते हैं इनसे हमेशा। फिर मध्य हिमालय में अगर हम आएंगे तो फिर मध्य हिमालय में दून द्वार वगैरह, और ये शिवालिक श्रेणी की फिर अगर हम चर्चा करेंगे उसमें हम बताएंगे बहुत से प्रश्न इससे बनते हैं हिमालय पर्वत से। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हम फिलहाल महान हिमालय की ही बात करेंगे। फिर ये हो गई चोटियां, चोटियों के अलावा उत्तराखंड में महान हिमालय में ही उत्तराखंड में दो ग्लेशियर पाए जाते हैं। उत्तराखंड में महान हिमालय में उत्तराखंड में दो ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो दो ग्लेशियर, ये देखिए उत्तराखंड वाला पार्ट है, ये यहाँ पर उत्तराखंड स्थित है। एक ग्लेशियर है गंगोत्री, सुना होगा आपने नाम, एक है गंगोत्री और एक ग्लेशियर है यमुनोत्री, वही नाम से ही पता चल रहा है, गंगोत्री जहां पर जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है, यमुनोत्री जो यमुना नदी का उद्गम स्थल है। ये दोनों कहां पर स्थित है, उत्तराखंड के दो ग्लेशियर है ये, उत्तराखंड के दो ग्लेशियर। बाकी मैंने ट्रांस हिमालय में भी कल कुछ ग्लेशियर बताए थे, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, वाल्टोरा, इसमें से सबसे बड़ा जो ग्लेशियर की बात की जाए तो वो है सियाचिन। कहां पर स्थित है वो, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पर स्थित। जो चार ग्लेशियर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे उनमें जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, फिर अगर महान हिमालय में बात करें उत्तराखंड में तो वहां पर दो ग्लेशियर पाए जाते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री। गंगोत्री जहां से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री जहां से यमुना नदी निकलती है। चलिए, ये हो गया आपका महान हिमालय कंप्लीट। अब अगली वीडियो में मैं आपको मध्य हिमालय का अध्ययन करवाऊंगी ये। ठीक है, मैं तो यही देखा, मैंने जितना भी कंटेंट तैयार किया है मैंने तो अभी तक यही देखा कि जो सवाल आते गए हैं पिछले कुछ परीक्षाओं में वो सारे सवाल इन्हीं जो कंटेंट मैंने तैयार किया इन्हीं में से आए हैं, कहीं से बाहर नहीं आए हैं। कहीं से दो चार सवाल आ भी जाते हैं तो उनका अध्ययन वो अब छोड़ने के लिए ही होते हैं, ये समझिए। जो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो नहीं बन रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, वो समझिए वो क्वेश्चन किसी से नहीं बनेंगे, किसी कोई भी क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएगा। और ऐसे क्वेश्चन के लिए, ऐसे एक दो क्वेश्चन के लिए हम अपना ज्यादा समय जाया नहीं कर सकते हैं, जो मेन क्वेश्चन हमेशा आते हैं हम उसका ही अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका महान हिमालय कंप्लीट। अब अगली वीडियो में मैं आपको मध्य हिमालय के बारे में बताऊंगी, तो पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल में एक बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि जो मेरे वीडियो के मैंने नए नए वीडियो अगर मैं अपलोड करूंगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अगर आप केवल सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप उसको जरूर प्रेस करें और पढ़ते रहें, मन लगाकर पढ़ते रहें। ठीक है, आप बहुत अच्छा करेंगे, धीरे धीरे मैं आपको सारे वीडियो अपलोड कोशिश करूंगी, क्योंकि थोड़ा समय मेरे पास भी कम बचता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सारे वीडियो मैं जल्दी जल्दी अपलोड करूं। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।